नमस्ते प्रणाम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप सभी लोगों ने न्याय मंच का साथ देते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और साथ में जो कार्य हमारे प्रिय दादा तुफैल चतुर्वेदी जी कर रहे हैं, आप उसकी सराहना करते हैं और उसका सपोर्ट कर रहे हैं और उनके साथ चल रहे हैं। इस पौरुष के लिए मैं आप सभी को साधुवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं। जैसा कि दादा ने बताया है कि घर वापसी बहुत आवश्यक है और एकमात्र विकल्प है भारत को इस्लाम मुक्त करने का। तो ये सत्य बात है, सच बात है, इसकी बहुत आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें खड़ा होना होगा, हमें तैयार होना होगा। हमारे प्यारे भाई गौतम खट्टर जी ने और हमारे पूजनीय श्री यति नरसिंहानंद महाराज जी ने अपनी बात करते हुए और हमारे सरदार जी ने भी अपनी बात करते हुए इस विषय पर बोला कि जब कश्मीर घाटी में लोगों की शुद्धि कराने के लिए श्रद्धे श्री श्रद्धानंद महाराज जी ने प्रयास किया था तो उस वक्त उन लोगों की शुद्धि कराने के सबसे बड़े विरोधी हमारे अपने सनातनी, सो कॉल्ड सनातनी ब्राह्मणवादी लोग थे और उन्होंने इस बात का विरोध किया कि कोई भी मुस्लिम मलेच्छ अपवित्र हमारे सनातन में नहीं आ सकता। जिसका खामियाजा 1989 और 1990 के जेनोसाइड के रूप में हमें भुगतना पड़ा, वो लोग घर वापसी करने के लिए तैयार थे, सब लोगों को उन्होंने मना लिया था, तो वही सारे के सारे लोग जो सनातन को अपना धर्म मानकर अपना एकमात्र जो स्थान है वो मान करके लौटने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके रास्ते को अवरोधित किया गया, उनको आने से रोका गया, उन्हीं लोगों की आने वाली संतानों ने उन्हीं लोगों के गले काटे जिन लोगों ने उसको रोका था। और ये इसी कारण से हुआ है कि जब अवसर था तब हम लोगों ने उसका विरोध किया। इस्लामिक आइडियोलॉजी, हालांकि भारत के अंदर इस्लामियों की तादाद जो है वो बाकी लोगों के तकरीबन 20-25% के आसपास है, लेकिन फिर भी इनसे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया, पूरा विश्व जो है वो परेशान है। इसका कारण क्या है? पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे पंथ हैं, मजहब हैं, आइडियोलॉजी हैं और एक सनातन धर्म भी है जिसके मानने वाले पूरे विश्व में रहते हैं, अपने अपनी रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, अपने अपनी बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं, परंतु फिर भी सारी दुनिया अगर किसी एक आइडियोलॉजी से आज के समय में परेशान है तो वो इस्लाम है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इस्लाम केवल दो चीजों पर चलता है, एक डर और दूसरा लालच। यानी कि आपको लालच दिया जाएगा कि आप उनके जैसे हो जाएं, उनमें से हो जाएं,
अगर आप लालच में आकर के हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर डर दिखाया जाएगा। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं होता जो इस्लाम से बाहर हैं, जिनको इस्लाम के अंदर लाना है, बल्कि ये उनके लिए भी होता है जो ऑलरेडी इस्लाम में है। तो उनको कट्टर जब बनाना है तो उनको यही दो डर दिखा करके बनाया जाता है। यानी कि अगर आप अल्लाह के रास्ते में जाकर जिहाद करोगे, आप काफिरों को कत्ल करोगे, आप अपनी बॉडी पर बॉम्ब बांध करके, ह्यूमन बॉम्ब बन करके फट जाओगे, और अगर जंग करते हुए काफिरों से आप मारे गए तो आपको मरने के बाद जन्नत मिलेगी, जहां 72-72 बहुत सुंदर हूरें आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, वहां शराब पीने को आपको मिलेगी, हर तरह के फ्रूट्स मेवे वो सब मिलेंगे। तो ये चीजें लालच दे करके उनको इसके लिए तैयार किया जाता है कि वो जंग करें काफिरों के साथ। और अगर तैयार नहीं होते तो फिर उनको डर दिखाया जाता है कि अगर आपने अल्लाह के रास्ते में जिहाद नहीं किया तो आप काफिर मरेंगे, और काफिरों का जो ठिकाना है वो जहन्नम है, यहां पर यातनाएं हैं, सजाएं हैं, ऐसा है वैसा है। तो बेसिकली दो ही चीजों पर इस्लाम चलता है। जिस जगह से अरबिक पेंसिल्वेनिया से इस्लाम शुरू हुआ था, वहां पर बहुत सारे जो ट्राइब्स हैं, जो कबीले हैं, वो रहते थे, और उनके अपने 365 देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर के उन्होंने काबा के अंदर, जिसको आज ये काबा शरीफ बोलते हैं मुस्लिम्स और जाकर के हज करने जाते हैं, उसके अंदर उन्होंने रखी हुई थी 365 जो है देवी देवताओं की मूर्तियां, मतलब उनके जो गॉडेस थे। उनके बीच में जो अरेबिक लोग थे वो बहुत जाहिल लोग थे, बड़े जालिम लोग थे। उनके बीच में जमीनों को लेकर झगड़े होते थे, उनके बीच में कारोबार को लेकर के झगड़े होते थे, उनके बीच में वर्चस्व को लेकर झगड़े होते थे। किसी के जानवर ने दूसरे जानवर से पहले अगर पानी पी लिया पानी पीने की जगह पर, इस पर झगड़े होते थे। अगर एक चीज में उनका आपस में कोई झगड़ा नहीं था तो वो था उनका बिलीफ। वो अपनी आइडियोलॉजी, अपने बिलीफ, अपने गॉडेस को लेकर के कभी नहीं लड़ते थे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यह है कि अलग अलग ट्राइब्स ने अपनी 365 मूर्तियां एक ही जगह पर रखी हुई थी और सब उसी जगह पर आकर के प्रार्थना करते थे। इससे पता चलता है कि उनके बिलीफ के बिहाफ पर उनमें आपस में कोई झगड़ा, विद्रोह या लड़ाई नहीं थी। ऐसी कंडीशन में मोहम्मद नामी एक शख्स वहां पैदा होता है। वो कहता है कि मैं अल्लाह का दूत हूं, मुझे अल्लाह ने नबी बना करके भेजा है, और जो मुझ पर ईमान लाएगा उसको अल्लाह जो है कामयाब करेगा, और जो मुझ पर ईमान नहीं लाएगा वो जहन्नम में जाएगा। अब खुद सोचिए, जो लोग 365 को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर एक और नया वहां पर ऐड हो जाए उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? वो कहेंगे ठीक है भाई तुम भी रख लो ना। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि ठीक है आप अल्लाह पर ईमान रखते हो, अब रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना मान रहे हैं आप अपना मान लो। इस पर मोहम्मद ने कहा कि नहीं, जिसको तुम मान रहे हो ये सब झूठे, ये सब झूठे, इनको उठा करके बाहर फेंक दो, सिर्फ मेरे वाले की मानो। तो जो विरोधाभास शुरू हुआ है मोहम्मद के और अरबी लोगों के बीच में, वो इस आइडियोलॉजी पर हुआ है। उनको मोहम्मद के अल्लाह से कोई तकलीफ नहीं थी, उनको उसको उसका गॉड मानने में कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन वो अपने को भी छोड़े जो पहले से मान रहे हैं। पर मोहम्मद के साथ विरोधाभास इस चीज पर हुआ कि उसने कहा कि तुम्हारे अपने उठा करके सब फेंक दो, सिर्फ मेरा मानो। और इसी आइडियोलॉजी पर आज तक इस्लाम और सारे मुसलमान चल रहे हैं कि आपका जो भी है वो सब बेकार है, वो सब झूठा है, वो गलत है, वो किसी काम का नहीं है, सिर्फ मेरे वाला सही है।
इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल दिया करता हूं कि एक मार्केट है, उस मार्केट में 365 दुकानें खुली हुई हैं। जैसे कि हमारे दिल्ली में बहुत सारे मार्केट होते हैं, मोबाइल मार्केट अलग है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट अलग है, तो वहां पर एक ही कार्य की काफी सारी दुकानें खुली हुई होती हैं। अगर वहां पर कोई एक नई दुकान खोल दे उस मार्केट में जाकर के, और दुकान से मेरा तात्पर्य केवल उन अरबी आइडियोलॉजी के विषय में है और अब्राहमिक विषय में, तो वहां पर अगर कोई एक 366वीं दुकान खोल दे तो क्या वो 365 दुकानदार उसको मारने जाएंगे कि तूने क्यों दुकान खोली? नहीं मारेंगे भाई, वो अपना काम करे, अपना काम करो। लेकिन वो दुकानदार ये कहता है कि ये जो 365 दुकानें इन लोगों ने खोली हुई है पहले से, ये सारे नकली माल बेचते हैं, ओरिजिनल मैं लाया हूं। ठीक है, अपना प्रचार करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप ओरिजिनल माल बेच रहे हैं, ठीक है बेचिए, जिसको आपका सामान अच्छा लगेगा वो लेगा, जिसको नहीं लगेगा वो नहीं लेगा। उसके बाद वह व्यक्ति ये कहता है कि जितने भी ग्राहक आएंगे वो इस मार्केट में, वो सब मेरी दुकान से सामान खरीदेंगे, जिसने मेरी दुकान से सामान नहीं खरीदा मैं उनको मारूंगा, उनके घर पे जाकर के लूटपाट करूंगा, उनकी स्त्री को उठा करके उनको वेश्या बना करके रखूंगा, और जब मेरा मन भर जाएगा मार्केट में बेचूंगा। ऐसे दुकानदार के साथ वो मार्केट वाले या आप क्या करना चाहेंगे? ये जो दुकानदार का जो एग्जाम्पल है ना, ये इस्लाम है, जो केवल अपने सामान को ओरिजिनल बताता है, बाकी सबको गलत बताता है, सेल्फ प्रोक्लेम, और फिर ये कहता है कि जिसने मेरी दुकान से सामान नहीं लिया मैं उसको कत्ल भी करूंगा, मैं उसको मारूंगा भी, उसकी उनकी स्त्रियों का हरण भी करूंगा और तुम्हारी जमीनें भी कब्जा लूंगा। नहीं तो मेरी दुकान का सामान ओरिजिनल मानो और उसी को खरीदो और उसी को इस्तेमाल करो। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। अगर आपका यह बिलीफ है कि आपका खुदा अल्लाह है, अगर आपका यह बिलीफ है कि आपका रसूल मोहम्मद है, मानिए, हमें क्या तकलीफ हो सकती है? आप 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, आप 10 टाइम पढ़िए, आप साल में 1 बार हज करते हैं, आप 10 बार कीजिए, हमें क्या तकलीफ है? पर हम क्यों करें? हम आपके अल्लाह को सच्चा खुदा क्यों माने? हम आपके मोहम्मद को रसूल क्यों माने? क्योंकि हमें पता है, हमें दिख रहा है कि आप जिसको नबी मानते हो, जिसको आप उस्वतुल हसना मानते हो, यानी के बेहतरीन रोल मॉडल, कुरान कहता है कि हमने तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना, बेहतरीन रोल मॉडल भेजा है, तो अगर आप ये बात हमसे मनवाना चाहते हैं कि ही वॉज द बेस्ट रोल मॉडल, तो आपको ये साबित करना होगा, प्रूव करना पड़ेगा दैट ही वॉज द बेस्ट रोल मॉडल। अगर आप ये कहते हैं अल्लाह इज द ओनली क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, तो आपको ये साबित करना होगा कि अल्लाह ही इस दुनिया का खालिक कायनात है। अगर आप ये कहते हो कि मोहम्मद उसका आखिरी मैसेंजर और रसूल है, आपको ये साबित करना होगा। अगर आप ये साबित ही नहीं कर सकते तो बिना प्रूफ की हुई चीजें, बिना साबित की हुई चीजों पर हम क्यों बिलीव करें? हम तैयार हैं बिलीव करने का, प्रूफ कीजिए, तो नहीं कर सकते। इनका एक बेसिक कलमा है। अब कोई काफिर अगर इस कलमे को यह सोच करके पढ़े कि मैं मुसलमान हो रहा हूं, तो सिर्फ कलमा पढ़ने से मुसलमान हो जाता है। ये कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई पूजा की इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद उसका रसूल है। मैंने पूछा कई मुसलमानों से, कुरान की कौन सी आयत में लिखा हुआ है? इनका अपना बेसिक कलमा इनकी कुरान में नहीं है। पूछ लो कहां लिखा है, पता नहीं है।
इनका दूसरा कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं, मैं विटनेस देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद उसका रसूल है। मोहम्मद को देखा है, अल्लाह को देखा है। अब बिना देखे गवाही, ये कैसी विटनेस है? ये ऐसा है कि किसी जगह पर एक मर्डर हो गया, स्वामी जी किसी जगह पर एक मर्डर हो गया और एक आदमी अपने घर में बैठा हुआ टीवी देख रहा है, मुकदमा चला, ट्रायल आया, कोर्ट ने उस मुकदमे में सुनवाई करते हुए कहा कि यह मर्डर का चार्ज इस व्यक्ति पर जो आरोप लगा है, इसका कोई गवाह है कि इसने मर्डर किया है? तो वो जो व्यक्ति अपने घर में बैठ के टीवी देख रहा था, वो न्यायालय में पहुंचा और जाकर के कहा उसने कि हां जी इसी ने मर्डर किया है, मैं गवाही देता हूं कि इसी ने मर्डर किया है। अब जज साहब ने उससे पूछ लिया, तुमने इसको देखा है मर्डर करते हुए? कि जी नहीं। कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि इसने मर्डर किया है? कि जी नहीं। तो फिर कैसे कह सकते हो? जब मैं टीवी में कल सीरियल देख रहा था तो एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मारा था, वो भी इसके जैसा ही दिखता था, इसलिए यही कातिल है। जज साहब क्या कहेगा उस गवाह को? फिर अल्लाह की और मोहम्मद की गवाही देने वाले ये मुसलमान कैसे समझदार है जो बिना देखे गवाही दे रहे हैं? काहे की गवाही भाई? और दूसरी, ये जो कलमा है आपका गवाही का, शहादत का, ये कुरान की कौन सी आयत में है? नहीं है। कहते हैं कि सारी दुनिया को जो इस रास्ता दिखाएगा वो इस्लाम दिखाएगा। अल्लाह ने इसको ऐसा मजहब बनाया है इंसानों के लिए जो पूरी दुनिया की रहनुमाई करने के लिए बनाया। इनसे पूछ लो कि 1400 साल पहले के जो लोग थे वो सब मूर्ख थे क्या, बेवकूफ थे क्या, जो नया तुमने ये? तो ये यहां पर क्या कहते हैं कि नहीं, आपको किसने कह दिया कि इस्लाम 1400 साल पहले आया है? हमारे तो इस्लाम तब से आया है जब से आदम अलैहि सलाम आए हैं, कि आदम पहला मनुष्य जो है धरती पर आया तब से इस्लाम है, वो पहला मुसलमान था, पहला नबी था। मैंने एक आलिम से पूछ लिया, कुरान की कौन सी आयत में आदम को मुसलमान और नबी कहा गया है, मुझे वो आयत बता दे। हमारा छोड़ दे, दुनिया का छोड़ दे, हमें दुनिया से लेना देना नहीं। हम ये कहते हैं इस्लामियों को कि आप अपना इस्लाम अपनी ही किताब से साबित करें, हमारा छोड़ दे। कुरान की वो आयत नंबर मुझे बता दे जिसमें आदम को तुम्हारे अल्लाह ने मुसलमान या नबी कहा हो। एक आयत नहीं है, एक सिंगल आयत आदम को नबी नहीं कहती, मुसलमान भी नहीं कहती। तो किधर से हो गए तुम मुसलमान और इस्लाम कहां से आया? कहते हैं कि पहले भी 124,000 नबी भेजे अल्लाह ने और उनको एक ही मैसेज दिया कि मैं अल्लाह ही खुदा हूं और तुम उसके नबी हो। उन 124,000 में से जू भी हैं, जुडाइज्म वाले, क्रिश्चियन वाले भी हैं, ईसा वाले, और उनमें जो है उजैर की कौम भी है, जुबैर के मानने वाले भी हैं, दाऊद के मानने वाले भी हैं, सुलेमान के मानने वाले भी हैं। किसी भी किताब में जो पहले तुम्हारे अल्लाह ने भेजी उन नबियों पर, किसी भी उनकी किताब में तुम्हारे अल्लाह ने अपने आप को अल्लाह कहा, उनके धर्म को इस्लाम कहा, सॉरी मजहब को, उनके मजहब को इस्लाम कहा, उनको अल्लाह का रसूल या नबी कहा, नहीं। तो 1400 साल पहले अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे अल्लाह ने अपना नाम बदल लिया, अपने मजहब का नाम बदल लिया, अपनी पद्धति बदल ली, और जो फाइनल मैसेज मोहम्मद को दिया है 124,000वें नंबर पे, ये कमोबेश कहते हैं यानी कि ऊपर नीचे गलती में, लेकिन मैं 1,124,000 का अगर एग्जैक्ट नंबर मान लूं तो 123,999 बार अल्लाह के प्रैक्टिस करके देख रहा था क्या? 123,999 गलती करने के बाद अगर एक मैसेज उसने दिया है फाइनल,
तो क्या गारंटी है कि इसमें गलती नहीं होगी? क्या क्या गारंटी है? तो गारंटी यह है कि उस किताब में लिखा हुआ है कि ये सच्ची किताब है। जब आप कुरान पढ़ना शुरू करेंगे, सबसे पहले सूरह फातिहा आती है, अलहमद शरीफ, उसके बाद सूरह बकरा शुरू होती है। अच्छा, बकरा का मतलब बकरा नहीं है, गाय है, ये याद रखिएगा। उसके अंदर गाय को मारने का उपदेश है, आदेश है, उसकी कथाएं हैं। तो ये मत समझिएगा कि गाय का जो हत्या है गाय की, वो सिर्फ एक रिचुअल से, ये मेन प्रैक्टिस है कुरान के अंदर। इसके बारे में बाकायदा पूरी आयत है, पूरी सूरा है। तो जब वो शुरू होती है, सूरा बकरा कुरान शुरू होती है, तो वहां पर पहली आयत है अलिफ लाम मीम जालिकल किताब ला रैब फी, कि ये अब अलिफ लाम मीम का मतलब आज तक कोई स्कॉलर नहीं बता रहा, किसी को नहीं पता क्या है। लेकिन जालिकल किताब ला रैब फी का मतलब ये है कि ये किताब जो समझदार लोग हैं उनके लिए गाइडेंस है। जब मोहम्मद पर आयत उतरती थी तो एक एक सिंगल सिंगल आयत उतरती थी, मोहम्मद के मरने के 200 से 250 साल के बाद इसको कंपाइल करके किताब बनाया। तो जब अल्लाह आयत भेज रहा था तब कौन सी किताब थी? पहली ही आयत में कौन सी किताब आ गई? कुरान में 5 आयतें, 1 में अहमद, 4 में मोहम्मद, जो कहती है कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, पांचों की पांचों 5 टाइम में बात कर रही है कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल था, है नहीं था। और अगर अल्लाह का रसूल था मोहम्मद, तो फिर ये आयत किसको बता रहा है? अल्लाह के था। अगर उसके ऊपर ये आयतें आई हैं, ये कुरान उतरा है, तो उसको तो ये कहना चाहिए ना कि ये मोहम्मद जिसको मैं आयत दे रहा हूं, ये अल्लाह का रसूल है। पूरी कुरान में एक आयत नहीं जो कहती हो कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल जिसको मैंने कुरान दिया, एक नहीं, सिंगल नहीं। फिर भी बिलीफ है, फिर भी यकीन है। तो ये सारी की सारी उल जलूल बातें, बेबुनियाद बातें, बेसिर पैर की बेदलील की बातें करने के बाद में ये चाहते हैं कि जिस तरह के मानसिक रोगी बन करके, मूर्ख बन करके, अंधे बन करके ये किसी रास्ते पर चले जा रहे हैं, फॉलो किए जा रहे हैं, उसी प्रकार से सारी दुनिया हो जाए। और अगर आज ये किसी जगह पर आ जाएं, डोमिनेट कर ले, अगर के हाथ में सत्ता आ जाए, तो ये दुनिया को आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये दुनिया को 1400 साल पीछे ले जाएंगे। और ये कहेंगे कि हमारे नबी की सुन्नत है ऊंट पर चलना, ये प्लेन व्लेन सब उड़ा दो, हम ऊंट पर चलेंगे। हमारे नबी की सुन्नत है तलवार से लड़ना, तो ये जितनी भी तुमने एटॉमिक बॉम्ब या फिर मशीन गन्स वगैरह बनाए सब डिस्ट्रॉय कर दो, हम तो तलवारों से ही लड़ेंगे। एक दिन दादा की मैं स्ट्रीम सुन रहा था, सुबह दादा की, तो इन्होंने बड़ी प्यारी एक बात कही, अपनी बात शुरू करते उस स्ट्रीम में। दादा कहते हैं, थोड़ा सा हंसने का भी विषय है, कि जो टाइम ट्रेवल थ्योरी है ना, वो अभी तक सिर्फ एक थ्योरी है, मतलब लोगों की सोच है कि ऐसा किया जा सकता है, समय में आगे या पीछे जाया जा सकता है। दादा कहते हैं कि ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ मजहबी सोच में पॉसिबल है। जैसे ही कोई व्यक्ति इस्लाम एक्सेप्ट करता है, वो वक्त में 1400 साल पीछे पहुंच जाता है, उसका टाइम ट्रेवल हो जाता है फौरन। एक ऐसा व्यक्ति जो 6 साल की एक बच्ची से विवाह करे, उसको ये बेहतरीन रोल मॉडल मानते हैं। अगर आप बेहतरीन रोल मॉडल मानते हैं, तो फिर तो आप उसके किए हुए सारे कामों को फॉलो करेंगे। आप 6 साल की बच्ची से शादी भी करेंगे 53 साल की आयु में, आप अपने ही दत्तक पुत्र की पत्नी से उसका तलाक कराए बिना डायरेक्ट उससे शादी करेंगे, अपनी ही बहू को अपनी पत्नी बना लेंगे, और जिसकी वो पत्नी थी उसको उसकी मां बना देंगे। ये आप फॉलो करेंगे फिर, अगर आप उसको बेस्ट रोल मॉडल मानते हैं। या आप ये फॉलो करेंगे कि जब उसने हमला किया है खैबर के ऊपर, और उसने सफिया के बाप को, बिनते हई को, और उसके उसके हस्बैंड को, उसके शोहर को, किराना को जिस दिन मारा है, उसी दिन उसने सफिया को ऑन किया,
एज अ स्लेव और उसी दिन रास्ते में उसका रेप किया, तो क्या फिर आप ये फॉलो करेंगे या आप ये फॉलो करेंगे कि मोहम्मद एक छोटी सी 3 महीने की बच्ची, 3 या 4 महीने की बच्ची जो अपनी घुटनों पर चल रही है उसको देख करके, इब्ने अब्बास की बेटी को देख करके कहता है कि अगर ये बच्ची बड़ी हो गई थोड़ी सी और मैं जिंदा रहा मैं इससे शादी कर लूंगा, क्या आप ये फॉलो करेंगे? क्या फॉलो करेंगे आप मोहम्मद का? या आप ये फॉलो करेंगे कि वो सुबह उठता है, उठने के बाद में जो है मतलब अकॉर्डिंग टू इस्लाम वो जनाबत की हालत में होता है, इम्प्योर होता है, तो उस कंडीशन में वो उठता है, खाता है, बिना नहाए धोए नमाज पढ़ लेता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बदन से बदबू आया करती थी, उसको छुपाने के लिए वो इत्र लगाया करता था, एक वुमनाइजर व्यक्ति जो कहता है कि मुझे दुनिया में इसलिए भेजा गया है कि मैं दुनिया में आकर के जो है सारी दुनिया के जितने भी आइडल्स हैं उनको तोड़ दूं, मंदिरों को तोड़ दूं ताकि सिर्फ अल्लाह की पूजा की जाए, और वो कहता है कि दुनिया में मुझे सिर्फ 2 चीजें सबसे ज्यादा पसंद है, एक परफ्यूम, एक वुमन। ऐसे इंसान को आप रोल मॉडल मानते हो? जिस इंसान को आपको रास्ता दिखाने के लिए भेजा गया है वो 28 से 32 शादियां करता है, 40 शादियां तोड़ता है, और कितनी ही लड़कियों को वो एज अ स्लेव वैश्या बना करके रखता है, और वो अपनी मर्जी से जब चाहता है तब वो अपनी स्लेव को अपने पर हलाल करता है, जब चाहता तब हराम करता है। कुरान उसको कहता है कि हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी तुम्हारे चाचा की बेटी, तुम्हारे मामा की बेटी, तुम्हारे फूफो की बेटी, तुम्हारी खाला की बेटी। एक दिन एक मुस्लिम से मेरा डिस्कशन हो रहा है और फ्री विल के ऊपर बात हो रही है। मैंने उससे पूछा इस्लाम में क्या फ्री विल है, आप मुझे बताएं। कहता है कि आप एक बात बताइए, मुझे कहता है कि आप एक बात बताइए, यदि आपका छोटा भाई आपकी बड़ी बहन के साथ कुछ गलत करना चाहे तो क्या आप अलाउ करेंगे? मैंने बोला मैं जिस संस्कृति को फॉलो करता हूं वो सनातन है, और हमारे यहां बहनों के साथ ये करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे जो चाचा की बेटी है वो तुम्हारी बहन है कि नहीं है? कहता है बहन है। मैंने बोला इस्लाम तो उसके साथ शादी करने की इजाजत देता है, तो ये जो तुम मुझ पर फिट कर रहे हो ये तो तुम्हारी संस्कृति है, तुम्हारा प्रैक्टिस है, तुम करते हो। तो कहता है कि इस्लाम यही तो फ्री विल देता है हमको, तो ये इस्लाम में फ्री विल है आपको बहनों के साथ ऐसा करने की, फ्री विल इस्लाम देता है। एक मानसिक अगर रोगी कोई होगा, जहनी तौर पर कोई अगर एक बीमार आदमी होगा तो वो कभी ऐसी चीजें सोचेगा भी नहीं जैसी इस्लाम में प्रैक्टिस की जाती है और उसको दीन समझा जाता है। और ये सारे के सारे काम इनको इसलिए करने हैं क्योंकि इनको जन्नत जाना है, और जन्नत में क्या करना है, इनको 72 हूरों के साथ रहना है, सिर्फ इसलिए। आप काफिरों से लड़ रहे हैं किस लिए? जन्नत जाना है। आप अपने बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं, उनको एजुकेशन नहीं दे रहे, उनको मदरसे में भेज रहे किस लिए? कि जन्नत जाना है। आप अपने मां बाप से भी नफरत कर रहे हैं किस लिए? जन्नत जाना है। हमारे पूजनीय गौतम खट्टर जी कह रहे थे सूरह तौबा की कुछ आयतें बता रहे थे 9 की 5, और कह रहे थे कि इनको जो है काफिरों से नफरत सिखाई जाती है। उसी सूरह तौबा की आयत नंबर 23 में लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे अपने माँ बाप, तुम्हारे अपने भाई बहन अगर इस्लाम की जगह दूसरे मजहब को फॉलो करें यानी कि कुफ्र करें तो उनके साथ दोस्ती नहीं रखनी आपने, वो तुम्हारे दुश्मन हैं। उसी की 29 कहती है कातिलुल्लज़ीना ला यूमिनूना बिल्लाहि वला बिल्योमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक्क मिनल्लज़ीना उतुल किताब हत्ता यूतुल जज़्यति अन यदिहुम सागिरून। यानी कि उन लोगों के साथ तुम लड़ो जो अल्लाह पर और कयामत के दिन पर ईमान नहीं रखते, और उस चीज को हराम नहीं मानते जिसको अल्लाह ने और मोहम्मद ने हराम किया है। मोहम्मद का तो नाम नहीं है लेकिन रसूल है, तो रसूल ये मोहम्मद को ही मानते, इसलिए मैं डायरेक्ट मोहम्मद का नाम यूज कर रहा हूं कि उसको हराम नहीं मानते जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किया है,
और उसको हलाल नहीं मानते जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने हलाल किया है। यानी हराम क्या मानना है आपने? शराब को हराम मानना है, शराब नहीं पीनी, इस्लाम में हराम है, मोहम्मद ने हराम की हुई है। लेकिन आपने अपने ही चाचा मामा फूफू की बेटियों को हलाल मानना है, आपने काफिरों की मां बहन बेटियों को हलाल मानना है, आपने उनके माल को हलाल मानना है। तो जो ये नहीं मानता उसके साथ लड़ना है, और जो दीने हक यानी कि इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करता उसके साथ लड़ना है, और तब तक लड़ना है जब तक वो इस्लाम कबूल ना कर ले, या तो फिर झुक करके छोटे बनकर के अपने हाथों से जजिया अदा ना किए। जब जब इस्लामिक रूलर्स इंडिया के अंदर या दुनिया में कहीं भी आए हैं, कहीं भी उन्होंने शासन किया है, ये जजिया उन्होंने वसूला है, लोगों का कन्वर्जन किया है, लोगों को मारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आगे भी अगर ये होगा तो फिर से वही करेगा इस्लाम, क्योंकि इस्लाम का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, सिर्फ अल्लाह के मानने वाले दुनिया में रहेंगे, बाकी सबको या तो मरना होगा या तो हमारा गुलाम बनना होगा, इसके अलावा तीसरी कोई सिचुएशन नहीं है। आज हमारे देश का जो युवा है वो सेक्युलरिज्म के नाम पर ये चीजें मानने को तैयार नहीं है, ये सब चीजें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और भारत के 99% मुसलमान, क्योंकि इनका डीएनए अरबी नहीं है, इनका डीएनए है भारतीय, इनके पूर्वज सनातनी रहे, तो ये 99% मुस्लिम इंडिया के इस्लाम को नहीं जानते कि इस्लाम एक्चुअल में है क्या और क्या टीचिंग देता है और क्या सिखाता है। अगर वो ये बात जानते तो वो कभी भी इसको फॉलो नहीं करते। और जब से हमारी एक्स मुस्लिम मूवमेंट चली है, हम लोग यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, अलग अलग जगह के माध्यम से हम लोग मुसलमानों तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि आप एक अपने पूर्वजों के एक धर्म को छोड़ करके किस गंध को आप फॉलो कर रहे हैं, किस आइडियोलॉजी को आप फॉलो कर रहे हैं जो कि इंसानियत की मानवता विरोधी है, तो हम ये उनको बता रहे हैं। तो हमारी इस मूवमेंट का, इस मुहिम का जो कि पिछले 3 सालों से चल रही है, लगभग 3-4 सालों से, वैसे तो काफी साम टाइम से चलता रहा, मैं सिर्फ यूट्यूब सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं, वहां पर इसका रिजल्ट ये हुआ है कि आज सिर्फ हमारे भारत में अप्रोक्स 2 करोड़ एक्स मुस्लिम है। 2 करोड़ लोग केवल भारत में इस्लाम को छोड़ चुके हैं, और ये तादाद ऐसे ही बढ़ेगी। और जिस प्रकार से मूवमेंट चल रही है, अगर आप सभी लोग इस मूवमेंट को सपोर्ट करें और आप उन लोगों को प्रोत्साहित करें जो लोग घर वापसी कर रहे हैं, जो लोग इस गन से निकलकर के घर आना चाहते हैं, उनका बाहें फैला करके आप वेलकम करें, तो ज्यादा दूर ज्यादा बड़ी बात नहीं है। स्वामी जी को खतरा है कि अगले 15 सालों में भारत में जो है मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाएगा, मैं कह रहा हूं अगले 15 सालों में भारत में मुसलमान ही नहीं रहेगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि इस्लाम तो जो है हजारों साल से लोग आए, मिटाने की कोशिश की, इस्लाम को नहीं मिटा सके, तुम क्या इस्लाम को मिटाएंगे। हम उनको सिर्फ ये, हम ये नहीं कहते कि हम इस्लाम को मिटा, हम सीधा कहते हैं हम इस्लाम को नहीं मिटाएंगे, हम मुसलमानों को काफिर कर देंगे, तुम रखो अपने इस्लाम। अगर इस्लाम के मानने वाले ही नहीं रहेंगे तो इस्लाम का कोई क्या मतलब है, क्या औचित्य है, खत्म हो जाएगा, हम उसके मानने वालों को ही काफिर कर देंगे। और वो इसलिए होंगे क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो तथ्य के आधार पर है, वो सच्चाई के आधार पर है, और उसका जवाब इनके पास नहीं है और हमारे सवालों का जवाब भी इनके पास नहीं है। तो ये कार्य जो है किसी भी प्रकार से रुकने वाला नहीं है, आप लोग बस अपनी भूमिका अदा करें, आप लोग इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, घर आने वाले लोगों का स्वागत करें, और मैं बहुत बहुत हार्दिक आभारी हूं और धन्यवाद करता हूं आप सभी सज्जनों का और हमारे माननीय तुफैल चतुर्वेदी दादाजी का जो इस कार्य को कर रहे हैं, अपना सर्वत्र त्याग कर रहे हैं। एक एक बात मैं इनके विषय में इनकी अनुमति के बिना कहना चाहूंगा जो कि मैंने अपनी आंखों से देखी है। सभी का परिवार होता है, हर एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए जीवित रहता है। मैं दादा के घर पे 1.5 महीना दादा की छत्रछाया में रहा हूं जब मैंने अपना घर छोड़ा था, जब मेरे महल्ले के लोग मेरी गर्दन काट देना चाहते थे तो दादा ने ही मुझे आश्रय दिया, अपने घर पे रखा, अपने पुत्र की तरह प्यार किया। उस समय मैंने देखा है दादा का डेडिकेशन कि हमारी भाभी माँ स्वर्गीय
रति भाभी माँ जो है बहुत बीमार थी और आईसीयू में भर्ती थी, उस समय भी अगर कोई चिंता थी इनको तो वो केवल इस राष्ट्र की और इस सनातन समाज की चिंता रहती थी। भाभी माँ से उस समय जब एक व्यक्ति, एक संगिनी जब ये चाहती है कि ये समय इतना भारी है, इतना मुश्किल है कि इस समय मुझे मेरे स्वामी का साथ मिले और ये आखिरी लम्हे हैं तो इस समय में मैं उनके साथ रहूं, उस समय भी हमारे पूजनीय दादाजी अलग अलग सम्मेलन में जाकर के इस कार्य को आगे बढ़ा रहे थे। आपको प्रणाम है और आपकी डेडिकेशन को। जय।